निजत मेडी डेंट केयर, यहाँ जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों ही किए जाते हैं, साथ ही फिजियोथेरेपी भी की जाती है एवं दांत के उपचारों के लिए डिजिटल एक्सरे के साथ दांत के सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है और यहाँ पेटेंट एजुकेशन भी दिया जाता है। सभी सुविधाओं से लैस इस क्लिनिक में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। पता है शिक्षा भवन, करमगंज रोड, लहरिया सराय, दरभंगा। निशात मेडी डेंट केयर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मेडिकल और डेंटल दोनों की लगभग हर फैसिलिटी एक ही छत के नीचे आपको अवेलेबल हो जाएगी। मेडिकल फील्ड में आपको जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा है, साथ में फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं। दांत की सेवा से रिलेटेड हर फैसिलिटी जो आप उम्मीद कर सकते हैं बाहर के शहरों में, वो हर चीज़ आपको इस जगह पे अवेलेबल मिलेगी। दुष्कर्म एवं हत्या मामले का आरोपी गिरफ्तार 10 साल पहले सिमरी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। सिमरी थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में महिला से दुष्कर्म कर उसकी गला रेत कर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी सिमरी के चंद्रशेखर नगर के रामदेव सदा को शास्त्री चौक से गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष हर किशोर यादव ने बताया कि आरोपी ने 10 साल पूर्व मानसिक रूप से विक्षिप्त एक अज्ञात महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। सिमरी थाना क्षेत्र के मनिहास चांदनी चौक से नशे की हालात में युवक गिरफ्तार। सिमरी थाना की पुलिस ने नशे की हालात में हंगामा करने के आरोप में मनिहास के चांदनी चौक से मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि ब्रेंथ एनालाइजर मशीन से जांच में नशे की सेवन की पुष्टि हुई है। राम मंदिर निर्माण के लिए मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने किया सिंहबारा प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण। श्रम संसाधन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार मिश्र राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र के लिए भवानीपुर में जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान कटासा के विकास यादव ने 11,000 रुपये का चेक मंत्री के माध्यम से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को समर्पित किया। सिंहवारा के संजय कुशवाहा चंपारण में लाइफ चेंजर अवार्ड से हुए सम्मानित। सिंहवारा प्रखंड की शुभंकरपुर पंचायत के विश्वनाथ पट्टी निवासी सम्राट अशोक जन कल्याण समूह भारत एवं ग्लोबल ग्रीन मिशन के संस्थापक पर्यावरण मित्र संजय कुमार कुशवाहा को लाइफ चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर सिंहवारा प्रखंड क्षेत्रों में खुशी की लहर है। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरोल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयं सेवकों का होगा चयन। 200 पारा विधिक स्वयं सेवकों का होगा चयन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर दरभंगा अनुमंडल हेतु 100, बेनीपुर अनुमंडल हेतु 50 एवं बिरोल अनुमंडल हेतु 50 कुल 200 विधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन हेतु स्थानीय स्तर पर आवेदन पत्र 10 मार्च 2021 से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने दी जानकारी। दस अप्रैल को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 10 अप्रैल
से 10:30 बजे व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुकदमा एवं पूर्व लंबित वाद यथा सामान्य आपराधिक वाद सहित अन्य मामलों को लेकर सुनवाई होगी। दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी, दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। मुंबई के लिए मिला एक और विमान। दरभंगा अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा एक बार फिर शुरू होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 10 मार्च से स्पाइसजेट की ओर से बुकिंग शुरू होगी। इसके अलावा 10 मार्च से ही कंपनी मुंबई के लिए एक और विमान उड़ान भरेगा। इससे दोनों जगह जाने व आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी। इन रूटों के लिए यात्री स्पाइसजेट की साइट पर जाकर के 10 मार्च से बुकिंग कर सकते हैं। परमंडलीय आयुक्त कार्यालय में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के एसएसपी के साथ हुई बैठक अध्यक्षता किए आयुक्त राधेश्याम शाह और दिए कई दिशा निर्देश। उन्होंने कहा कि आगामी होली एवं सभी बरात त्यौहार को शांति व्यवस्था बनाए के लिए शांति समिति की बैठक पंचायत स्तर से लेकर के अनुमंडल और जिला स्तर पर होनी चाहिए। AIYF दरभंगा जिला इकाई द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के जिला समरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में उपस्थित संगठन के युवा पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से जुलूस के शक्ल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समरणालय के मुख्य गेट पर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला संयोजक आनंद मोहन कर रहे थे। संघ AIYF के बैनर तले पूरे बिहार का नौजवान, ये जो जुमलाबाज सरकार है 19 लाख दे करके 19 लाख रोजगार के नाम पर में जुमलेबाजी जो किया, हम कहना चाहते हैं कि ये 19 लाख रोजगार की जुमलेबाजी बिहार का नौजवान नहीं बर्दाश्त करेगा। तुमको रोजगार देना ही पड़ेगा, ये अभी हमारी लड़ाई है, अंग्राई ली है हम आगे। इसके लिए पूरे बिहार से नौजवानों को लेकर के विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और विधानसभा में जब तक ये प्रस्ताव नहीं आया, 19 लाख रोजगार देने की पूरी गारंटी नहीं हुई, तब तक हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। ये एक सांकेतिक आंदोलन पूरे बिहार में नौजवान संगठन की ओर से जिला मुख्यालय पर में चल रहा है। दरभंगा में सोमवार से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का शुरू हुआ टीकाकरण। हेल्थ वर्कर अब व फ्रंट लाइन वर्कर के बाद अब तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को सोमवार को कोरोना वैक्सीन की दी जानी की शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो विशेष बीमारी वाले 45 से 49 वर्ष के आयु में आने वाले लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया गया है। यह टीकाकरण निःशुल्क होगा। इसके लिए जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यह जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए शुल्क के रूप में 250 रुपये देना होगा। दरभंगा SSP बाबूराम के निर्देश पर नशेड़ी के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जहां जगह जगह छापेमारी की गई है। दरभंगा शहर में नशेड़ी को पुलिस ने पकड़ा, टेबलेट, सुई व सिरप बरामद किया है। दरभंगा शहर में जगह जगह नशेड़ी की फौज बढ़ने लगी। नशेड़ी खुद तो इसका सेवन करते ही हैं, अब वह बेचने और इससे अधिक रुपये कमाने लगे हैं। इसको लेकर के पुलिस जगह जगह छापेमारी अभियान शुरू कर दी है। इसी बीच लहरियासराय थाना की पुलिस ने गोलू नामक नशेड़ी को पकड़ा और उसके पास से नशीली दवा आदि बरामद की। इसकी पुष्टि करते हुए लहरियासराय थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज हरिनारायण सिंह ने बताया कि गोलू बिलवागंज मोहल्ला निवासी श्री राम शाह का पुत्र है। इसके पास से 200 टेबलेट, 6 सुई, नशा का और कफ सिरप 6 बरामद कर उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूछताछ में उसने कई लोगों का नाम भी बताया है।
दरभंगा रेलवे जंक्शन को प्लेटफॉर्म एवं बाहरी हिस्सा को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे एक नया लुक देखने को मिलेगा। बता दें कि यह दरभंगा जंक्शन का दृश्य है, जहां भव्य रूप दिया जा रहा है, रिमॉडलिंग किया जा रहा है और एक अच्छी तरह से दिखेगी दरभंगा जंक्शन का जो नज़ारा होगा, एक देखने लायक होगा, क्योंकि रिमॉडलिंग किया जा रहा है, एक नया लुक दिया जा रहा है। दरभंगा जंक्शन का यह प्लेटफॉर्म का बाहरी हिस्सा है, जहां हम दिखा रहे हैं तस्वीर में। दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि हम लोगों का आंदोलन का शुरुआत हुआ है और यह शुरुआत जो है काफ़ी लंबी चलने वाली है। जिस तरह से बिहार में लगातार घटनाएं घट रही है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है, सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि कृषि आधारित उद्योग लगाएं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और आपराधिक घटना पर लगाम लग सके, क्योंकि आज बेरोजगारी के कारण रोज बिहार में घटनाएं घट रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग और आंदोलन करेंगे। दूध फैक्ट्री खोले, कृषि से आधारित विभिन्न तरह का उद्योग लगावे, जेम्स का उद्योग लगावे, विभिन्न तरह का उद्योग लगा के नौजवानों को रोजगार में लगावे, नहीं तो आने वाले दिनों में यह आपराधिक घटनाएं और बढ़ती जाएगी। आज स्थिति दरभंगा का यह है, जो एक तरफ बाढ़ सूखा का मार झेल रहा है और दूसरे तरफ अशोक पेपर मिल बरसों बरस से बंद है, उसको चालू करने के लिए कोई अभी तक पहल नहीं हो रहा है। बिंदीसर यादव के पुत्र पवन यादव, जो भैरोपट्टी निवासी है, 13 जनवरी 2021 से लापता है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद अभी तक नहीं मिल पाया सुराग। दरभंगा जिला के भैरोपट्टी निवासी पवन यादव जो 22 वर्षीय है, वह लापता है 13 जनवरी से, लेकिन अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं मिल पाया है, कुछ जानकारी नहीं मिल पाया है। परिजनों को चिंता सताई जा रही है। परिजनों के द्वारा बहादुरपुर थाना में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक नहीं मिल पाया है। पूरा मामला ये है, 13 तारीख के दिन के 10 बजे खाना वाना खाने के बाद निकल गया, टहलने बुलने के माध्यम डेली घर से निकलता था, भर दिन घूम टहल करके शाम संध्या 7-8 बजे रिटर्न डेली आ जाता था घर पर। 13 तारीख के दिन भर दिन इंतजार करने के बावजूद भी रात में भी खोजा गया, नहीं मिला। दिन से लोग खोजबीन में लगा हुआ है, पूरा दरभंगा स्टेशन रोड लहरिया सरा तक जहाँ तक जितना भी होटल कबाड़ी अक्सर सभी जगह खोजा गया, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो आप लोग थाना में भी आवेदन दिए हैं क्या? हाँ, थाना में आवेदन दिया गया है, पवन कुमार का छोटा भाई जाकर के आवेदन किया है, जो रिपोर्ट है साथ में। क्या अंदेशा क्या लग रहा है? अंदेशा यही है, दिमाग से हल्का ही है, पागल टाइप का उसका रोल है, अक्सर उसको लोग पागल ही कहा जाता है, कहिए हल्का माइंड से डिस्टर्ब चल रहा है लगभग 10 वर्ष पहले से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मदन कुमार यादव। लड़का का कौन हुआ? लड़का का चचेरा भाई। Oh,